वॉलीबॉल के विकास और विस्तार के लिए 7 से 9 जून तक 3 दिवसीय मोंगिया कप वॉलीबॉल 2022 का आयोजन गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास में किया जा रहा है। भविष्य की प्रतिभावान खिलाड़ियों को चैंपियन बनाने के उद्देश्य से इस खोज सह चयन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्टील क्षेत्र की कंपनी मोंगिया स्टील ने खेल के क्षेत्र में देश को बड़े खिलाड़ी सौंपने के उद्देश्य से ये बड़ी पहल की है। उद्घाटन कार्यक्रम में मोंगिया स्टील के चेयरमैन गुणवंत सिंह मोंगिया, गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटीज के अध्यक्ष तरसेम सिंह, सचिव सुरेंद्र पाल सिंह, वॉलीबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी परवीन कुमार के साथ कोच जयदीप सरकार, जीजीपीएस चास के प्रिंसिपल उमा शंकर सिंह, जीजीपीएस सेक्टर 5 के प्रिंसिपल और गुरु गोविंद सिंह टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर के अलावा सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी व अन्य मेहमान की मौजूदगी में मुख्य अतिथि और संस्था के अध्यक्ष ने अपनी वॉलीबॉल खेल के प्रति उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं का खुलासा भी किया। आज सबसे पहले मैं श्री गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सरदार साहब सरदार तरसेम सिंह जी का और साथ में सेक्रेटरी साहब एसपी सिंह साहब का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया, इसके लिए मुझे साथ दिया। जिस समय कोई भी काम छोटे तौर पर किया जाता है उस समय सभी की साथ की बहुत ज़रूरत होती है और ऐसे मौके पर इन्होंने मुझे साथ दिया है जिसमें कि मैं आगे बढ़ सकूं, फल फूल सकूं और इसका कार्यक्रम को काफ़ी आगे बढ़ा सकूं। हमने एक नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का एक स्थापना करने का प्रयास किया जिसका सबसे पहला कदम हमारा यहीं से शुरू हुआ है और इन्हीं के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। मैं फिर से इनको धन्यवाद देता हूं कि मेरा जिस तरह से भी मैं कोई भी परिकल्पना को सोचता हूं कि मैं आगे बढ़ाऊं उसके लिए सबसे पहले साथ देने के लिए, सबसे पहले मुझे आशीर्वाद देने के लिए और हमारे साथ खड़े हैं हमारे भाई साहब। हमेशा यहीं पर हमने बोकारो में ही इसकी शुरुआत की, स्टार्टिंग में जितने मेरे कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम यहीं शुरू हुआ, फिर हमने वॉलीबॉल के वहाँ पर जो एक मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी जो तैयार किया गिरिडीह में उसके लिए ग्राउंड बना के और सारे चीज़ों को वहाँ पर हमने तैयार किया, लेकिन फिर भी आज पहला मैच देखिए फिर यहीं पर हो रहा है, पहली बार तैयारी यहीं से हो रही है। सो मुझे बहुत हार्दिक खुशी भी है और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल ग्रुप को, जिन्होंने इस चीज़ को मुझे सपोर्ट भी किया है और हम चाहते हैं कि सारे देश में हम ऐसी टीम दे सकें जो वॉलीबॉल में यहाँ पर से नेशनल खेलने के लिए जाए, क्योंकि पिछली बार आप जानते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में वॉलीबॉल की टीम गई ही नहीं। इतने बड़े देश में इतनी आबादी है और इतने हमारे बच्चे यहाँ के जितने ज़्यादा सीखने के लिए और जितने ज़्यादा यहाँ के मजबूत बच्चे हैं खेलने में, मुझे सिर्फ ये लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चे तो अपने घर घरों में खेल ही रहे हैं, सभी जगह खेल रहे हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ा प्रशिक्षण थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और वो हमारे नेशनल तक पहुंचेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और हमारा प्रयास भी है कि हम इसको पूरी स्पीड के साथ, पूरी गति के साथ और पूरी मजबूती के साथ इतनी मजबूत टीम बनाएं कि जहां भी जाएं वो जीत के आएं। मेरा देखिए सभी जगह से खर्च हो ही रहा है, जितने कॉरपोरेट हैं सभी खर्च कर रहे हैं, तो एक टारगेट होना चाहिए। हमारा विचार ये है कि जिस तरह से हमने पैसा तो खर्च करना ही है, जितना कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमारा खर्च होना है उससे हमारा दुगना भी खर्चा हो, 5 गुना भी खर्च हो उसकी परवाह नहीं, लेकिन कुछ ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए कि हम पीस मील में खर्चा ना करके कोई अच्छी जगह पर ऐसा खर्च करें जिसका बिल्कुल 100% रिजल्ट हमारे देश को मिले, हमारे सब लोगों को मिले, हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका रिजल्ट मिले। तो एक ऐसी चीज़ की स्थापना हो जो एक परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए, परमानेंट सेटअप होना चाहिए जिससे बच्चे रेगुलर सीखते रहें, रेगुलर आगे बढ़ते रहें। रुपया तो हर जगह खर्च हो ही करना है, तो हमारी नज़रों के सामने भी होना चाहिए और इतनी मजबूती के साथ खर्चा होना चाहिए कि वो रुपया हमें हर समय नज़र आए कि हमने ये खर्चा किया तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत मजबूती के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और सबसे बड़ी बात है कि इसके प्रति मेरी अपनी श्रद्धा भी है, मेरी अपनी भी भावना इसमें है कि हमारे देश के बच्चे खेल के आगे बढ़ें और जितना, और हम चाह भी रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम टीम को रेडी करें, लेकिन इसमें कोई हम ऐसी गलती नहीं करें जिसमें कि किसी तरह से एक बढ़ते हुए युवाओं को किसी तरह का नुकसान हो अथवा हम किसी कानून को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं। हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिल्कुल अनुशासन के साथ और बिल्कुल अच्छी प्रतिष्ठा के साथ हम कोई भी काम करें अच्छे से करें जिससे आने वाले युवाओं को एक अच्छी सीख भी मिले और अच्छी तरह से आगे भी बढ़ सकें। सर वॉलीबॉल में लगता है सारे झारखंड से निकलने के चांस हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जीजीपीएस से जितने अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि श्री प्रवीण कुमार गोल्ड मेडलिस्ट यहीं के हैं, तो यह बहुत बड़ी हम लोगों के लिए एक
खुशी की बात भी है और एक गर्व की बात है कि हमारे साथ इतने बड़े प्लेयर आज हमारे साथ मिले हैं। हमें इनसे कुछ ना कुछ जानकारी भी मिलेगी और इनसे बच्चों को भी यहाँ प्रोत्साहन मिलेगा कि जब यहाँ के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं तो यहाँ आसपास में उन बच्चों में उत्साह बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जितना आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ेगा उतनी रफ्तार से बच्चे आगे बढ़ेंगे और मुझे ये पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितनी अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है निश्चित रूप से यहीं से सबसे पहला बच्चा आगे निकलेगा। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। मेरे तरफ इशारा कर रहे थे कि हमको GGPS ने प्लेसमेंट दिया है, तो GGPS का ऐसी संस्था है कि जो अच्छे काम करने के लिए कोई भी आता है तो उसके आगे चलते हैं, पीछे नहीं चलते हैं। तो जब भी हमारी संस्था की ज़रूरत हो, हमारे प्रेस की ज़रूरत हो, हम हमेशा मुंगिया साहब के साथ हैं। जो भी आप पूछ रहे थे कि इसका आगे क्या भविष्य होगा, मैं इसको भविष्य के लिए बोलना चाहता हूँ कि जैसे हर चौक में हम मुंगिया साहब का सरिया देखते हैं, ऐसे हर चौक में मुंगिया साहब का वॉलीबॉल भी देखेंगे, ये मेरे को आशा है। क्योंकि हर आदमी का अपना अपना काम करने का सिस्टम होता है। यदि मन में है कि जो कॉरपोरेशन का पैसा हम सही जगह में लगाना है, अगर आदमी की नींद सही है तो काम आगे बढ़ेगा ही। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।